लगभग 8:30 बजे नगीना देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि रायपुर सादात के एक मोहल्ले में एक मकान में शुरुआत में जो सूचना मिली थी वो मिली थी कि चोरी की घटना हुई है। उस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी गए, उसके समय बाद CO साहब भी गए। वो दोपहर में एक तहरीर दी गई कि घर में डकैती हुई है और घर में जो पीड़िता थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। उसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया और सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। विवेचना के क्रम में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो ये पीड़िता है, पीड़िता का पिछले 10-12 साल से एक व्यक्ति जो पीछे मेरे खड़ा है पुष्पेंद्र चौधरी, इसके साथ उसके संबंध थे, उसका ये मित्र है और ये फ़ोन पे निरंतर बात करते रहते थे। विवेचना के क्रम में ये भी आया प्रकाश में, जो 19 अक्टूबर को चोरी की घटना हुई थी उस समय भी ये व्यक्ति घर पर आया था और एक लगभग इंटरोगेशन में निकल के ये आया कि लगभग 40,000 रुपये ये चोरी करके गया था। 14 तारीख की शाम को लगभग 5:51 पे पीड़िता ने इसको पुष्पेंद्र चौधरी को घर पे बुलाया, क्योंकि पीड़िता के परिजन धामपुर गए थे एक फंक्शन के लिए। तो वो धामपुर निकले और इसने घर पे बुलाया और इसने ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है, चांदी का सामान है, जेवर है, सोने का जेवर है, कुछ घड़ियाँ हैं, करेंसी नोट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, LED है, स्कूटी है, ये सब इसने इसके सुपुर्द कर दी और ये सारा सामान लेके बिजनौर आ गया। विवेचना में ये भी आया है, तथ्य प्रकाश में आए हैं कि इसके ऊपर कर्जा है काफ़ी, उसको चुकाने के लिए इसने घटना पीड़िता के साथ मिल के ये की। विवेचना के क्रम में तथ्य में ये भी आया प्रकाश में कि जो चोट पीड़िता को आई है वो उसने स्वयं की है, इसके साथ मिल के की है। अभी तक की विवेचना में दुष्कर्म की कोई बात की पुष्टि नहीं हुई है, प्राइवेट पार्ट्स में कोई इंजरी नहीं है और जो भी तथ्य प्रकाश में इनको हम लोग फर्दर कंक्लूजन पर लेकर जाएंगे और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करके उसमें शीघ्र चार्जशीट लगाएंगे और माननीय न्यायालय में पैरवी करके इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। थैंक यू। कोई सवाल आपको अगर पूछना है? कहाँ का रहने वाला सर? ये कीरतपुर थाने का रहने वाला, लेकिन फिलहाल ये बिजनौर में रहता है। करता क्या है सर? पुष्पेंद्र चौधरी ये पहले अध्यापक था, ये पीड़िता भी पहले अध्यापक थी, दोनों में उसी समय मित्रता हुई, उसके बाद इसने कुछ शेयर का कुछ काम किया उसमें इसके पास, उसके ऊपर ये कर्जा हो गया इस तरह का। सर ये उस समय घटना के समय अकेला ही था ये? अभी तक तो यही प्रकाश में है कि अकेला था, लेकिन इसके साथ अगर कोई और भी था तो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल इसने यही बताया कि अकेला गया था, लेकिन हम हर चीज़ को बिल्कुल गहनता से विवेचना कर रहे हैं। तो सर ये पुलिस वहाँ तक पहुँची, इस तक तो इसके लिए क्या रास्ता बना, मतलब क्या साधन बना, कौन सा रास्ता बना इससे जो इस तक? नहीं, इंटरोगेशन हम लोग करते हैं, हम लोगों ने क्राइम सीन, जो क्राइम सीन है आपने भी देखा होगा कि शाम को 7 बजे कोई छत के रास्ते से कूद के इस तरह की घटना कर दे, जनरली नहीं होती है, अमूमन नहीं होती, इसलिए हम लोग भी इसको थोड़ा, जैसे आपने बताया मीडिया में चला भी है कि हम लोग थोड़ा अलग दृष्टि से इसको देख रहे थे, हर एंगल से इसको देख रहे थे कहीं कुछ, क्योंकि सटीक सूचना देना कि हम लोग परिजन को ने कहा था कि 10 बजे रात तक हम लोग लौट आएंगे और परिजन लगभग 5:30-6 बजे गए हैं, तो 4 घंटे की ये जो सटीक सूचना है वो वही कर सकता है जो परिचित हो या घर का इनसाइडर हो, तो बाहर का हम लोगों ने इसलिए उसको कर दिया था कि बाहरी कोई घटना कर नहीं सकता, ज़रूर किसी ने इसकी मुखबरी की है या फिर घर से कोई इन्फॉर्मेशन लीक हुई उसके बाद ये घटना हुई है। पूछताछ भी इसने कुछ नहीं बताया कि इसके साथ कोई था या था? पूछताछ अब कर रहे हैं आपके सामने, मतलब अब कल शाम को मुकदमा लिखा गया, अब 24 घंटे में ये सब पूरी रिकवरी आपके सामने है और भी, हाँ हाँ, महिला को इसने अपने ID पर सिम दे रखा था जिससे वो इससे बात करती थी। सर उसमें इस संबंध में जो इनकी अरेस्टिंग हुई है, क्या इस संबंध में जो इनके साथ थी महिला उसके विषय में भी कोई विधिक कार्रवाई की? बिल्कुल विधिक कार्रवाई की, जो भी इस घटना में शामिल है कॉन्स्पिरेसी में प्लानिंग में उन सब पे कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। और कोई सवाल? थैंक यू, बहुत बहुत।